इलेक्शनों की बात करना चाहता हूँ बल्कि एक शेर समाज की सियासत की सच्चाई की अक्कासी कर रहा है ताकि मैं आपके दरबार पर कहना चाहता हूँ कि इंकलाब आसमान से क्यों ना हो उलझन मुझे इंकलाब आसमान से क्यों ना हो उलझन मुझे मैं पुकारू दोस्त को आवाज दे दुश्मन मुझे ये मुसलमानों का मैटर नहीं है ये किसी एक कौम का मैटर नहीं है मुझे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से उठता हुआ एक तूफान नजर आ रहा है वो तूफान किस चीज का है वो तूफान उसूलों का तूफान है वो तूफान दस्तूर का संविधान का आईन का तूफान है देखिए किसी एक सियासी दल को इस आपके एहतजाज को कोर्ट करने का मौका नहीं दीजिएगा ये बहुत बड़ी लड़ाई बन चुकी है ये इतनी बड़ी लड़ाई बन चुकी है क्योंकि आज इस वक्त हिंदुस्तान में बाकायदा इदारों पर हमला हो रहा है जिना साहब का मैं तस्करा नहीं करना चाहता हूँ 1939 में उठा के तारीख देख लीजिए हिंदू महासभा और मुस्लिम लीग का गठबंधन था आज इसके लिए वो लोग माफी मांगेंगे मैं नहीं इसमें जाना चाहता हूँ बात असल में क्या है अलीगढ़ पर हमला इसलिए हो रहा है क्योंकि हिंदुस्तान के तमाम इदारों पर हमला हो रहा है और एक जमहूरियत के एक लोकतंत्र की जो बिना होती है वो इदारों से मुस्तहकम होती है जो स्तंभ होते हैं उससे उसको कुवत मिलती है ये स्तंभ बाला होते हैं किसी की एक सियासी बर्बाद से किसी एक सियासी दल से किसी एक सियासी तहरीक से इस वक्त लोग चाहेंगे कि सिर्फ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को एक मुस्लिम चेहरा दें लेकिन मैं आपसे इंतजार करूंगा मैं आप लोगों से दरखास्त करूंगा कि उस शख्स की सुन्नत पर चलना जरूरी है जो अपना दर्द और अपने दर्द के बारे में फिक्र करने से पहले अपने दुश्मनों और अपने मुखालिफतों के दर्द को तो पूछता था मैं उस शख्स का जिक्र कर रहा हूँ जो आदमी नहीं था जिस हद तक के उस मंजिलत तक के हम आप नहीं पहुंच सकते लेकिन जो मक्का की गलियों और मदीना की गलियों से जब गुजरता था और उस पर कूड़ा फेंका जाता था तो उस जिस दिन कूड़ा नहीं फेंका गया उस पूछने गया कि भाई तबियत तो ठीक है तो मैं आप लोगों से इशारों में बात करना चाहती है मैं आप लोगों से कहूंगा कि बहुत जुल्म हो रहा है हर कौम पर हो रहा है हमारी कौम पर भी हो रहा है लेकिन हमारा फर्ज बनता है कि हम दीगर कौमों के अफराद के पास जाएं और कहें कि हम आपका दर्द अपने लिए अपने बांटने आए और जहां तक कि इस इदारे की बात रही एएमयू की बात रही भाइयों बहनों साथियों एक बहुत बड़ा बोझ आपके कंधे इस वक्त है एक बहुत बड़ी और वजनी जिम्मेदारी आपको सौंपी गई है और ये पाला है सियासत से आपके ऊपर और ये एहतजाज मुझे 100% उम्मीद है कि अगर मुंसलिक और मुंतजम तरीके से इस एहतजाज को अंदर से आगे बढ़ाया जाएगा दीगर जो विश्वविद्यालय हैं और दानिशगाह हैं और यूनिवर्सिटी हैं उन तक की आप अपना पैगाम लेके जाएंगे तो ये बोझ जो आपके कंधे है जो आपकी एक जिम्मेदारी बनी है वो दस्तूर को संभालने की जिम्मेदारी इस वक्त दस्तूर की बिना इस वक्त दस्तूर की बिना कमजोर की जा रही है कैसे कमजोर की जा रही है क्योंकि यहाँ के इदारे कमजोर किए जा रहे हैं मैं उन लोगों को याद दिलाना चाहता हूँ जो आज जमहूरियत की बात करते हैं लोकतंत्र की बात करते हैं नेशनल इंटरेस्ट की बात करते हैं कि आप वही लोग हैं जिन्होंने 1947 से लेकर आगे तक के 70 साल न तिरंगा लहराया और न इस दस्तूर को तस्लीम किया ये दस्तूर और इसकी हिफाजत आपकी और हमारी जिम्मेदारी बनती है जिनके रुख पे है सिवा उनको सिवा मुश्किल है आज हम सिर्फ मुसलमान की हैसियत से नहीं बोलेंगे आप हमको महदूद करना चाहते हैं मुसलमान तक के आज हम एक हिंदुस्तानी शहरी की हैसियत से बोलेंगे आज हम अंबेडकर की भी औलाद हैं गांधी की भी औलाद हैं नेहरू
को उनका चेहरा भी गायब कर दिया, सिर्फ चश्मे छोड़ दिए। आज अंबेडकर को अपनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन याद रहे दोस्तों के सावरकर को और अंबेडकर ने सावरकर और जिना को दोनों को कहा था कि इनकी सियासत हिंदुस्तान को एक भी लग पाएगी। ये अंबेडकर आज आप कैसे अपना रहे हैं, इसलिए क्योंकि आपका कोई ताल्लुक, आपका क्यों इम्पैक्ट डाउनस्ट्रीम इन इंग्लिश तक है जो इंटरनेशनल मीडिया तक की भी बात पहुंचे। It is because you have no intellectual links to our constitution. इस वक्त आप मजबूर हैं कि बाबा साहब की तस्वीर अपने पोस्टरों पर छपवाएं। आप मजबूरी के तहत अंबेडकर की तस्वीर छपवा रहे हैं, लेकिन आपके कार्यकर्ता हकीकत की तरफ इशारा कर रहे हैं, बाबा साहब की मूर्ति को भी आप छपवा कर रहे हैं। तो बहरहाल मैं बहुत वक्त नहीं लेना चाहता हूँ, ना इस वक्त कोई मकान है सियासी बात करने का। बस एक मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि बहुत से लोग आएंगे और दोस्त नुमा दुश्मन से बहुत ही होशियार रहिएगा। दोस्त नुमा दुश्मन, देखिए जो मुखालिफ है वो सामने सामने मुखालिफत आपकी कर रहे हैं, लेकिन दोस्त नुमा दुश्मन यानी मुनाफिक से जरूर होशियार रहिएगा, क्योंकि वो आएंगे, वो आपको बताएंगे, वो आपको उकसाएंगे, लेकिन जब वो झूठ की बात करें तो आप सच के जवाब दीजिएगा, जब वो नफरत की बात करें तो आप मोहम्मद की जवाब दीजिएगा, जब वो तासुर की बात करें तो आप हुकूमत की जवाब दीजिएगा, जब वो बातिल की बात करें आप हक का झंडा लेकर आगे बढ़िएगा। बस मैं आपसे इतनी गुजारिश करना चाहता हूँ और गुजारिश करके अलविदा कहना चाहता हूँ। मैं आपके साथ खाना बजाना चाहूँ और जैसे मैंने अर्ज किया, तमाम लोग आएंगे, तमाम लोग जाएंगे, किसी एक टहलुओं को अपने इंतजार बढ़ाना न कीजिएगा। अपनी तकलीफ आप लोग खुद लेकर चलिए, अपनी तकलीफ खुद